अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। आज मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसमें आपको डिटेल से बताऊंगा कि लेसन वन और लेसन टू को किस तरह से मर्ज करके हम स्टिक को स्पिन कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि बाद में आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सके। तो चलिए आप वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो व्यूअर्स, क्योंकि आज हमने लेसन वन और लेसन टू को मर्ज करके करना है, तो इसके लिए आज मैं दोबारा आपको लेसन वन बताऊंगा और इस हमने लेसन वन और लेसन टू को स्टेप बाय स्टेप करना है। जब ये दोनों हमारे हो जाएंगे तो इसके बाद मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि लेसन वन और लेसन टू को हमने किस तरीके से मर्ज करके स्टिक को स्पिन करना है। तो सबसे पहले लेसन वन में आपको बताता हूँ कि स्टिक को दोनों हाथों से हमने सेंटर से ग्रिप करना है और लेसन वन का जो स्टेप वन था, राइट हैंड को हमने खोल देना था और लेफ्ट हैंड से स्टिक को ग्रिप करके इस तरीके से स्पिन करके इस पोजीशन में रुक जाना था, जिसकी लेफ्ट हैंड की पोजीशन इसकी हथेली ऊपर की तरफ थी और स्टिक की पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट थी। इसके बाद जो लेसन वन का स्टेप टू था कि राइट हैंड को हम इस पोजीशन में ले आने, चारों फिंगर्स एक साथ जोड़ के और थंब ओपन होगा और जो था लेफ्ट हैंड के नीचे से हमने स्टिक को ग्रिप करना था और इस तरीके से हमने स्टिक को स्पिन करके इस पोजीशन में आके रुक जाना था और इसके बाद हमने दोबारा से लेफ्ट हैंड से स्टिक को ग्रिप करके स्टेप वन करना और इसके बाद दोबारा से राइट हैंड से स्टिक को ग्रिप करके हमने स्टेप टू करना था। जब आहिस्ता आहिस्ता हम इन दोनों स्टेप्स को और इसकी स्पीड को इनक्रीज करते जाना था तो हमारा लेसन वन कंप्लीट हो गया था। तो व्यूअर, इसके बाद लेसन टू, तो सबसे पहले हमने राइट हैंड से स्टिक को सेंटर से ग्रिप कर लेना था और इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर देना था। जो ऊपर वाला हाथ से पॉइंट था उसे हमने पॉइंट ए का नाम दिया था और इसके बाद जो नीचे वाला हाथ से हिस्सा है इसको हमने पॉइंट बी का नाम दिया था। तो लेसन टू करने के लिए हमारा फोकस जो था वो पॉइंट बी पर था, तो इसका जो लेसन टू का जो पहला स्टेप था, हमने बी पॉइंट को इस तरीके से घुमाकर अपने राइट साइड पर स्टिक को लेकर आ जाना था। तो ये दोबारा कर मैं आपको दिखाता हूँ। स्टेप वन, हमने पॉइंट बी को स्पिन करके अपने राइट साइड पर लेकर आ जाना था। तो इसके बाद जो व्यूअर सेकंड स्टेप था, हमने बी पॉइंट को इस तरीके से स्पिन करके अपनी कोनी की तरफ ले आना था और इसके बाद जो स्टेप थ्री था, हमने बी पॉइंट को इस तरीके से स्पिन करके इस पोजीशन में आकर रुक जाना था और इसके बाद जो स्टेप फोर था, हमने स्टिक को इस तरीके से स्पिन करके दोबारा से अपने सामने लेकर आ जाना था। तो हमने दोबारा से ये स्टेप टू करना है और हमने रुकना नहीं है और स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता इनक्रीज करते जाना। स्टेप वन, टू, थ्री, फोर। वन, टू, थ्री, फोर। स्टेप वन, टू, थ्री, फोर। अब हमने ऐसा ऐसा स्पीड को बढ़ाते जाना। तो व्यूअर्स, अब जो हमारा मेन लेसन है कि हमने लेसन वन और लेसन टू को मर्ज करना था, तो इसके लिए हमने दोबारा से लेसन वन करना। हमने ये स्टेप वन किया और स्टेप टू करके हमने यहाँ पर इस पोजीशन में आके रुक जाना है। तो व्यूअर्स, ये आपने याद रखना है, लेसन वन और लेसन टू को मर्ज करने के लिए हमने लेसन वन का स्टेप वन तो करना है लेकिन स्टेप टू हमने करके इस पोजीशन में आके रुक जाना है और इसके बाद जो हमारा लेसन टू है, हमने लेसन टू को लेसन वन के साथ मिला कर फिर करना। तो आपने याद रखना है, लेसन टू जो था हमारा फोकस जो था वो पॉइंट बी पर था। तो हमने जब लेसन वन करना है तो राइट हैंड से हमने जो ही इस पोजीशन में आना है तो हमने फौरन लेसन टू करना है। हमने पॉइंट बी को ऊपर की तरफ लेकर गए, फिर अपनी एल्बो की तरफ, फिर इस पोजीशन में, फिर अपने सामने आई। जब इस तरीके से दोबारा हमारे सामने स्टिक आ जाएगी तो हमने लेफ्ट हैंड से स्टिक को ग्रिप कर लेना और दोबारा से लेसन वन का स्टेप वन करके
और लेसन टू हमारा इस पोजीशन में जो ही आएगा तो हमने लेसन टू ये कर देना। इसके बाद दोबारा से लेसन वन, लेसन टू, लेसन वन, हमारी पोजीशन स्टिक पोजीशन इस पर आई तो हमने फौरन लेसन टू इसके साथ मिलाकर कर देना, लेसन वन और फिर इसके बाद लेसन टू। लेसन वन हमारी स्टिक की पोजीशन जो ही इस तरह की होगी तो हमने फौरन लेसन टू साथ ऐड कर देना। लेसन वन, लेसन टू, लेसन वन और लेसन टू हमने अब आहिस्ता आहिस्ता स्पीड को इंक्रीज करते जाना। तो व्यूवर्स यही वो स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके लेसन वन और लेसन टू को एक साथ मिलाकर कर सकते हैं। तो व्यूवर्स आपको खूब समझ आ गया होगा कि लेसन वन और लेसन टू को हमने किस तरह से मर्ज करके और किन स्टेप को फॉलो करके हमने स्टिक को स्पिन किया। और इंशाल्लाह जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊँगा कि लेसन वन और लेसन थ्री को हमने किस तरह से मर्ज करके और किन स्टेप को फॉलो करके हमने स्टिक को स्पिन करना है। तो जानने से पहले व्यूवर्स चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।